going on. In kinetics, we have studied the chemical reaction, its rates, and its every kind of spontaneity, non-spontaneity. That how we can fast the reaction, how we can slow it. Now, in this reaction, we will study that how those chemical reactions that we are studying, उनको आप कैसे use कर सकते हो to produce electrical energy. उन chemical reactions का कुछ तो काम होना चाहिए ना, हम पढ़ रहे थे, there should be some utility. So, we will be studying in this chapter that how the chemical reactions are used to produce electrical energy. आपको electrical energy use करनी है, आप फिर large number of आप आगे चीजें advancements देख सकते हो. Electrical energy produce हो गई, अब तो बहुत कुछ कर सकते हो ना आप electrical energy से. So, उसी के बारे में इस chapter में हम बात करेंगे. Vice versa also, कि अगर आपने किसी chemical reaction से electrical energy produce कर ली है, okay, then what will happen? Then आप उस electrical energy जो आपने produce करी थी उस reaction को देखकर, उस reaction में से, तो आप उस electrical energy को अब use कर सकते हैं किसी और reaction को produce करने के लिए. Let's suppose कोई reaction हो नहीं रहा, तो you can just take the help of electrical energy and then you can make that reaction. So these are both widely and widely connected to each other. Okay? Then you can, you can note this down and then write electrochemistry is the study of. And naam se kya lagta hai aapko? Kuch na kuch electricity aur chemistry se related hai. So it is the study of production of electricity. प्रोडक्शन होगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कहां से फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन हुआ है केमिकल रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन दैट कैन बी यूज टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इसमें और क्या लिख सकते हैं एंड यूज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वही तो अभी मैंने बोला कि आप इसका यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मर्स केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हैं जो रिएक्शन ना हो रहे हो उनको भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑफ ग्रेट यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ थियोरेटिकल मतलब आप इसका थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे तो भी वो थियोरेटिकली वेरी वेल प्रूवन है एंड अगर आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे वो भी बहुत वेरी वेल प्रूवन है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खुद में एक बहुत बड़ी फील्ड है ठीक है अब हम देख सकते हैं कि कई सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय केमिकल रिएक्शन कई सारे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और कई सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जैसे आप देख सकते हो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी चीज चेंज करती है तो बैटरीज